पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, पढ़कर खुद से द्वंद और संवाद का जरिया होता है, जो हमारी विचार प्रक्रिया का ढांचा बदल कर रखते हैं। मुझे लगता है पढ़ना हमें अधिक संयमित, विवेकवान, धैर्यशील, आत्म आलोचनात्मक प्रवृत्ति से युक्त बनाता है। पढ़ना सीखना और पढ़ने की आदत होना दोनों भिन्न प्रक्रियाएं हैं। दरअसल पढ़ने सीखने का समय पढ़ने की आदत के विकास का भी सर्वोत्तम समय होता है। पढ़ने लिखने से जुड़े लोग इसके सरलीकरण में सचेतन रूप से भूमिका निभा सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए लाइब्रेरी की किताबों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जो बच्चे अनवरत रूप से लगभग सप्ताह में एक बार दो बार लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते हैं और वो लगातार 5 साल तक पढ़ते हैं, और ऐसे बच्चे जिनके पास किताबें नहीं है केवल टेक्स्ट बुक है, उन दोनों की लर्निंग में तुलनात्मक रूप से 4 से 5 गुना का अंतर हुआ। जैसे इस तरह से देख सकते हैं कि 1 से 5 तक में 70 से 80 पाठ होते हैं बच्चे के पास भाषा में, और अगर लाइब्रेरी की किताबें भी वो पढ़ता है, अगर सप्ताह में एक बार दो बार किताबें पढ़ेगा तो कम से कम पूरे 5 साल में 400 से 500 किताबें पढ़ लेगा। इस तरह से हम 4 से 5 गुना एक अंतर उनके लर्निंग में देख सकते हैं। इसको लर्निंग आउटकम से अगर आगे हम जोड़ते हैं तो कक्षा 1 से 5 में हर कक्षा में भाषा का एक लर्निंग आउटकम है कि लाइब्रेरी की किताबों के प्रति बच्चे की उत्सुकता बढ़े, किताबें पढ़े और अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को साझा करें। राजकीय विद्यालयों के बहुत से शिक्षकों ने रीडिंग कॉर्नर और बच्चों के लिए बाल साहित्य की पढ़ने लिखने की प्रक्रियाओं पर शुरुआती कदम उठाया है रीडिंग कॉर्नर के रूप में। आइए देखते हैं इस शुरुआती कदम की कुछ यात्रा। बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जैसे बच्चे पढ़ तो पाते हैं लेकिन पढ़कर समझना या अपने जैसे उसमें क्या लिखा हुआ है अपने को समझा पाना अपनी बात वो थोड़ा कम हो रहा था, तो फिर जैसे लाइब्रेरी की किताबें इशू करना उसमें थोड़ा दिक्कत थी, कम बच्चों के पास कम पहुंच पा रही थी वो किताबें। और जैसे हमने ये रीडिंग कॉर्नर इसमें बनाया क्लासरूम में तो बच्चों के पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्रिंट रीच है कमरे की और फिर रीडिंग कॉर्नर की किताबें हैं तो बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है पढ़ने का, इससे पढ़ के वो पढ़कर समझना और अपनी बात को समझा पाने में ज़्यादा मतलब आसानी रहेगी। कि बच्चों का स्तर न्यून है और बच्चे इसमें पढ़ने में रुचि ले, देखने में रुचि ले, सीखे, इसे तो हमने सोचा कि बच्चों की पहुंच हो ऐसी जगह एक रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाए। हमने प्रत्येक रूम में ये रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया है। इसमें प्रयास ये किया कि जिस क्लास के बच्चे हैं तो हमने रीडिंग कोड में उस स्तर की पुस्तकों का चयन करके उनको जो है इस रीडिंग कॉर्नर में जो है संग्रहित करने का प्रयास किया। इससे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए चित्र वगैरह है, कुछ उससे बड़े हैं तो कुछ कहानी पढ़ सकें ऐसी पुस्तकें हैं, लेकिन उनको इसके लिए हमने स्वतंत्र छोड़ रखा है। वो जिस समय भी फ्री हो और उनको लगे कि हम यहाँ पढ़े गए बच्चे है तो स्वतंत्र है कि बच्चे उन चीज़ों को कहानी के रूप में ज़्यादा रुचि से पढ़ते हैं, और जब उनके पास कहानियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी तब बच्चे उन कहानियों को पढ़ेंगे, और जब बच्चे कहानियों को पढ़ेंगे तब उनकी पढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी और नए शब्द भंडार भी बच्चों का बढ़ेगा, और जब बच्चों का शब्द भंडार बढ़ेगा तब उन शब्दों का या इन कहानियों का पढ़ाई के दौरान जब टीचर पढ़ाते हैं तब भी इनका प्रयोग बच्चे शिक्षण के दौरान भी जिनको पढ़ना नहीं आता वो भी अपने पसंद के चित्र से किताबें उठाते और पढ़ने की कोशिश करते हैं, और एक रजिस्टर जैसे रखा हुआ है तो बच्चे को घर ले जाना चाहे तो इनमें से जो भी अपनी पसंद की किताब होती है उसको रजिस्टर में लिख के ले जाते हैं खुद ही और दूसरे दिन आके खुद ही जमा कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने जैसे रीडिंग कैंपेन चल रहा था उसमें बच्चों ने खुद ही आकर कि सर हमने ये कहानी पढ़ी है और इसमें से हम ये कविता सुनाना चाहते हैं, अलग अलग तरह की क्वेरी हमारे सामने आई। जो पहले बच्चे बिल्कुल टेक्स्ट बुकों पर ही डिपेंड थे अब इन बुकों से भी फायदा लेने लगे। हो सकता है कि कुछ समय बाद इन पुस्तकों का जो है परिवर्तन भी कर रहे हैं, उनको लेकर के दूसरी पुस्तकें भी यहाँ, ताकि वो बच्चे उन पुस्तकों का लाभ भी लें। इससे वो बच्चों में अधिक से अधिक रुचि जागृत होती है और पढ़ने में उनकी ललक रहती है, कुछ उनको सीखने का अवसर मिलता है। जब हमने ये रीडिंग कॉर्नर बनाया था उस समय एक मन में ये था कि बच्चे किताबों को पाड़ देंगे या फिर घर ले जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अब नहीं हो रही है। अब किताबों को बच्चों के सामने यहाँ पर डिस्प्ले करके बच्चे किताबों का
पढ़ते हैं क्लासरूम में, जब भी खाली पीरियड होता है तो बच्चे किताबों को पढ़ते हैं और पूछ करके घर भी ले जाते हैं। घर पर पढ़ने के बाद जो बच्चे वापस अपनी ईमानदारी के साथ बच्चे किताबों को यहाँ पे वापस जमा करवा देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अब एक बार शुरू में ये लग रहा था लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीज़ कम हो गई है। पहली दूसरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसको थोड़ा निचले स्तर पर बनाएंगे तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल है, इसमें बच्चों को कोई रोक टोक नहीं है। बच्चे इसको बुक्स को कैसे भी लेके कक्षा में भी पढ़ सकते हैं, घर पे भी लेकर जा सकते हैं। और पहली दूसरी कक्षा के बच्चे जो नॉर्मल टेक्स्ट बुकों को इतना मतलब पढ़ते नहीं थे, इन बुकों के सारे वो एक तरह से पढ़ना भी सीख रहे हैं। और उनके लिए सिर्फ चित्रात्मक बुक्स हमने अलग से रखी हैं, उसके लिए रीडिंग कॉर्नर अलग बनाया जा रहा है। नोकिया से जैसे सर ये रीडिंग कॉर्नर का निर्माण जब करना था तो हमारे माइंड में पहले से था कि इस तरह से क्लास में होता कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले। और उसके लिए क्या हमारा स्कूल थोड़ा इंटीरियर में आने के कारण कोई मिल नहीं पा रहा था कि भैया आए तो वो इतना दूर आना नहीं चाहता था कोई भी मिस्त्री। मतलब लर्निंग में सब रीडिंग कॉर्नर का ऐसा कि जैसे जितना प्रिंट रीच और ये बुक्स का उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा पढ़ने का, तो पढ़कर समझना और अपने को समझा पाना कि जैसे उस बुक में क्या पढ़ा उसने, तो ये सारा मतलब वो कर पा रहे हैं। जैसे अपन लाइब्रेरी से बुक्स देते थे तो वो कर नहीं पा रहे थे बच्चे, जैसे अपन वापस उनको यूज़ नहीं कर पा रहे थे कि भाई कैसे तुमने क्या पढ़ा क्या क्या ले देते थे बच्चे ला देते जमा करा देते। लेकिन यहाँ से जब बच्चे खुद ही ले रहे खुद ही पढ़ रहे शिक्षण के दौरान भी मतलब इस चीज़ को हम ले सक रहे हैं। जैसे आपने ये कौन सी कहानी पढ़ी, ये कहानी पढ़ी थी इसमें क्या क्या चीज़ थी, तो बच्चे जैसे कि इसमें क्या क्या था कौन कौन से पात्र थे बता पा रहे, उसके कवर पर भी चर्चा कर पा रहे, उस कहानी को अपने अपनी भाषा में हमें सुना पा रहे। और फिर जैसे फिर हमने कहा कि इसको कैसे कौन था क्या था तो अभिनय करके बताओ, जैसे खरगोश और शेर की कहानी है तो बच्चों ने खुद मुकोटे पहन के उसको पूरी कहानी को हमें करके दिखाया, तो भाई जैसे हम करके बताए बच्चों ने करके दिखाया तो वो मतलब पढ़ना पढ़कर समझना और अपनी बात को भी वो रख पा रहे हैं, ये भी मतलब उनमें कौशल विकसित हुआ है। और मुकोटे निर्माण करना ये चीज़ें भी उन्होंने खुद से मुकोटे बनाए खुद अपने हाथों से, फिर उन्होंने लगाए भी रीडिंग कॉर्नर पर तो उनके मन में ये मुकोटे हमने बनाए, फिर वो कोई दूसरी कहानी आती है उसमें कुछ और जानवर का नाम आता है तो वैसे मुकोटे बना के वो कर पा रहे हैं बच्चे। और जैसे पहले दूसरी कक्षा के बच्चे हैं जो जिनको जैसे पहली क्लास है जिनको नहीं पढ़ना आता तो वो भी जैसे हमने ये बुक से करवाई, जैसे मान लो इस बुक से करवाई तो बच्चे ऐसे पढ़ के जैसे ये है तो पढ़ना नहीं जानते, लेकिन जैसे कि एक हिरण था कौआ है फिर हिरण जाल में फंस गया, ऐसे जैसे एक एक पेज से वो पढ़ते जा रहे हैं अपने मन से, जैसे पढ़ना नहीं आ रहा लेकिन चित्र देख के वो बता पा रहे हैं कि भाई हिरण था वो दोस्त थे फिर शिकारी आया वो फंस गए, ऐसे वो बोल पा रहे थे। जैसे जो बच्चे पढ़ना नहीं जानते वो भी चित्र के माध्यम से उनकी मौखिक अभिव्यक्ति और अपनी बात रख पा रहे हैं, उन्हें बुक्स जैसे उनके लेवल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके लगाई। बट जैसे ज़्यादा टाइम निकलने के बाद सारी बुक्स जब बच्चे पढ़ चुके होंगे तो उनके लिए एक तरह से पुरानी हो जाएगी, तो बच्चों में ये होता है नई नई चीज़ें ज़्यादा पढ़ने का होता है, तो जैसे इनको हटा के हम नई किताबें चित्र वाली किताबें छोटे बच्चों के लिए चित्र वाली किताबें और चित्र के साथ कहानी एक एक लाइन लिखी हुई वो वाली इसमें लगाएंगे, बड़े बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बड़ा साहित्य बाल साहित्य बाल मैगजीन है ऐसी चीज़ें चूज करके और इसमें लगाएंगे ताकि इंटरेस्ट से पढ़ लें। सबसे बड़ा फायदा यह रहा है कि बच्चों की किताबों की बल्कि एक रुचि बढ़ती जा रही है और बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ नया मिल रहा है, इससे ये हो रहा है कि बच्चों की पढ़ने की स्पीड बढ़ रही है, बच्चों का सब कुछ बढ़ रहा है और बच्चे यहाँ से जो प्रसंग या जो प्रकरण पढ़ते हैं उसका शिक्षण के दौरान जब कभी भी जिक्र आता है तब उसके ऊपर बच्चे खुल करके बात करते हैं। कुछ समय तक मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि के साथ में इन किताबों को पढ़ते हैं लेकिन कुछ समय के बाद में इन किताबों को ये नहीं पढ़ते, तो इससे बचने के लिए हमें यह करना होगा कि हमें किताबों को बदलते रहना होगा या फिर नई किताबें हमें कुछ दिनों के बाद में ला करके इनके बच्चों के सामने डिस्प्ले करनी होगी। जब नई किताबें आएगी तब हमें बच्चों के साथ में ही इनके लिए आधा घंटा या एक घंटा हम इनके साथ में एक लाइब्रेरी का पीरियड भी रख सकते हैं जिसमें हम टीचर और बच्चे सारे मिलकर के किताबों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में हम बच्चों से कहानियों के बारे में पूछ भी सकते हैं, तो बेटा आपने जो कहानी पढ़ी उस कहानी को आप सभी को सुनाओगे, इससे क्या होगा कि बच्चों की जो बोलने की झिझक होती है वो खत्म होगी, बच्चे बोल पाएंगे, बच्चों का शब्द भंडार बढ़ेगा और बच्चों की किताबों के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। इतनी प्यारी है दुनिया, मुझे हवा प्यारी लगती है, मुझे चिड़िया प्यारी लगती है, मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती है।
कहानियां है, ये चुटकी की कहानियां है, ये कविता है। मेरा मन चाहे जब कहानी पढ़ के वापस में रह जाता, फिर ये कहानी हम घर पे रह जाकर हम उस पर खुद नाम लिख कर वापस जमा हम उसे कर लेते। इंटरवल के बाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? ये कहानी। कैसा लगता है तुम्हें कहानी पढ़ना? अच्छा लगता है। कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी है तुमने अभी तक? मैंने तो आधी तो उधर दूसरी क्लास में चली गई, अभी तो एक ये पढ़ी थी। क्या नाम है इसका? तोते की सलाह, और दूसरी चकमक, और बहुत ही सारे। वो भी पढ़ते हो? एक रिसर्च के अनुसार हम देखते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा शुरुआती कक्षाओं में जितना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ते हैं उसके पास में बहुत सारी जो भाषा की जो समझ है वो बढ़ती जाती है। भाषा की समझ में तीन चार चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे शब्द भंडार का पढ़ना, अपनी चीज़ों को ठीक तरह से अभिव्यक्त करना, अपने कौशल लेखन कौशल में उच्च स्तरीय रचनात्मकता का आना, कल्पनाशीलता का आना, इस तरह से लगातार जो ज़्यादा टेक्स्ट की समझ रखता है, ज़्यादा टेक्स्ट से जितना बच्चा गुजरेगा उतना ही ज़्यादा कौशल उस बच्चे का विकसित हो रहा होगा। अब इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चे के पास टेक्स्ट बुक है ही नहीं, किताबें है ही नहीं, तो ये सब चीज़ें काल्पनिक सी लगती हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि बच्चों तक उन किताबों तक पहुँच होनी चाहिए, बच्चे आराम से उस किताबों को एक्सेस कर सके, जब उनका मन करे वो किताबें ले सके, यानी कि आपका पहला लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो गया। उसके आगे क्या करना चाहिए? दूसरा स्टेप ये है कि केवल ये बच्चे ही नहीं पढ़े, शिक्षक, बच्चे, प्रधानाध्यापक, अगर कोई अभिभावक भी आ गया तो सब मिलकर पढ़े, और विद्यालय में कोई ऐसी पढ़ने की कोई घंटी स्थापित की जा सकती है। तीसरा स्टेप ये है कि जो भी सामग्री जितनी भी पढ़ी गई है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, साझा करें, उस सामग्री पर अपना विचार रखें। तो इस तरह से हम भाषा के तीन से चार लर्निंग आउटकम को अचीव कर सकते हैं। पहला, लाइब्रेरी की किताबों के प्रति उत्सुकता वाला। दूसरा, अपने आसपास पढ़ी हुई सामग्री पे अपने विचार रख पाना, जो कि वो जब शेयरिंग के दौरान विचार रख रहा होगा। तीसरा, अपने मन की बातों को, अपनी कल्पनाशीलता को शामिल करते हुए अपनी मन की बातों को लिखना और अभिव्यक्त करना। किताबों के साथ बच्चों के साथ रीडिंग कॉर्नर पर काम करना सबसे पहला कदम पुस्तकें उपलब्ध कराना था, वो लगभग काफ़ी स्कूलों में हुआ है। लेकिन इससे आगे की प्रक्रियाएं, जिसमें बच्चों के साथ कहानियों पर बातचीत, उनको सुनना, पुस्तक परिचय, किताबों पर, कहानियों पर, पात्रों पर बातचीत और तमाम तरह की प्रक्रियाएं आगे की ओर बढ़ने का एक तरीका होगा, और इस पर निश्चित रूप से हमें बहुत सा कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन पहले कदम के रूप में मुझे लगता है काफ़ी शिक्षकों का एक बेहतरीन कदम है।